नमस्कार, मैं शाली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विशारदी में। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी कि जब आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करोगे तब से लेकर जब तक आप इंटरव्यू रूम से बाहर नहीं हो जाओगे आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप और लोगों से कई ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि वहाँ पे जब आप जाओगे इंटर करने रूम में, इंटरव्यूअर रूम में, तो आपको क्या करना है कि अगर दरवाजा वहाँ पे क्लोज है तो जब आप उसको खोल के मैं कम इन करके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले, क्योंकि वो दरवाजा आपने ही खोला है तो वो दरवाजा आपको ही बंद करना रहेगा, वहाँ पे कोई दूसरा नहीं आएगा दरवाजा बंद करने के लिए। फिर जैसे आप आ रहे हैं एक बार आईकॉन कैट करिए, उसके बाद चलिए, ठीक है। जब आप अपनी चेयर के पास तक पहुंच जाते तो वहां पे आप खड़े रहिए, सबको ग्रीट करिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करके, ठीक है, वहां पे ग्रीट करिए। और जो फाइल आपने पकड़ा हुआ है वो आपके हाथ में रहनी चाहिए, नहीं कि आप वहां पे जाते ही उनके टेबल पे रख दिए अपनी फाइल, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। फिर जब वहां पे वो लोग बोलेंगे आपसे कि सिट डाउन, तो आपको थैंक यू बोलते हुए वहां पे बैठना है और अपने पैर को क्रिस क्रॉस करके नहीं बैठना है, पैर आपका एकदम सीधे होना चाहिए, ठीक है। और अपने हाथ को आप उनके टेबल पे भी नहीं रखेंगे, ठीक, आप अपने गोद में रखिए, या तो ऐसे करके रख लीजिए या तो ऐसे सिंपली आप अपने पैर पे ही रखिए, ठीक। और आपको चेयर पे ऐसे पूरा टेक भी नहीं लेना है पीछे से, ठीक है, आपको सीधे स्ट्रेट बैठे रहना है, आपका पैर नहीं हिलना चाहिए। और एक बात, जब आप बैठे हो ना तो आपको ऐसी अपनी उंगलियों को ऐसे चटकाना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वहां पे फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि आप नर्वस हो रहे हो, तो आपको वहां पे ये बिल्कुल भी शो नहीं करना है कि आप नर्वस हो। अगर आप हल्का फुल्का नर्वस भी हो, हाँ होता है, सबके साथ होता है, तो आप अपने आप को अंदर से बूस्ट करते रहिए कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, वहां पे आपको अपना नर्वसनेस बिल्कुल भी शो नहीं करना है। उसके बाद अगर आप वहां से कुछ लेना चाहते हो, सपोज करिए कि आपको जाना है बोर्ड पे पढ़ाने, तो आपको अगर वहां से चॉक लेना है या कुछ भी ऑब्जेक्ट आप अगर अपने टीएलएम के लिए यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सर या फिर मैम, मे आई यूज दिस और दैट, ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे बोलना है, उसके बाद वहां पे जाना है। उसके पहले जब आप पढ़ाने लगोगे ना, तो आपको सबने बताया है कि आपको इंटरव्यूअर्स को बच्चों की तरह ट्रीट करना है, उनको बच्चे मान लेना है, लेकिन उसके पहले भी आप बोलेंगे कि सर कैन आई यूज यू एज ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं क्या आपको स्टूडेंट की तरह टीच कर सकता हूँ, क्या आपको मैं उनकी तरह मान के पढ़ा सकता हूँ, तो वो बोलेंगे ओके ओके, तो उसके बाद आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, आप उनको इंटरव्यूअर्स को स्टूडेंट मान के ही पढ़ाना, लेकिन उसके पहले अगर आप परमिशन ले लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक। उसके बाद अगर बोर्ड साफ है तो ठीक है, अगर बोर्ड साफ नहीं तो आपको नीचे की तरफ मिटाना है ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, कुछ भी इस तरीके से नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं करना है कि आप यहाँ से डस्टर ही छूट जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको आराम से कंफर्टेबली धीरे धीरे उसको रेज करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप वहां से आइए तो थैंक यू बोल के आइए। एक बात आपको एकदम याद रख लेना है, क्या थैंक यू, सॉरी और मे आई यूज दिस और दैट, ऐसे करके, ठीक है। और एक बात ये भी आप याद रखेंगे कि आपको वहां पे गलत बातें नहीं बतानी है ना, कि आप अपने से बना के कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक। अगर आप बोल रहे हैं, अगर आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, तो उसके बाद आप बोल दीजिए कि सर अगर इसमें कुछ गलती है तो मैं इसको फिर से जानने की कोशिश करूंगा या करूंगी, मैं इसको देखूंगा, ठीक है। अगर आप सच में सही आंसर दे रहे हो, इंटरव्यूअर्स आपको अगर कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो आपको अपने आंसर पे अड़ नहीं जाना है, उनको एटीट्यूड नहीं दिखाने की, नहीं ये तो सही है आप गलत बोल रहे हैं, ये बात वो बात, आपको ऐसे वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना। आप बोलिए वहां पे कि सर मेरी नॉलेज में जहां तक है मैंने तो इतना ही पढ़ा है, या फिर अभी तक मैंने इतना ही जाना है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं घर पे जाके इसको फिर से देखूंगा, फिर से सर्च करूंगा, इसके सही आंसर को जानने की कोशिश करूंगा। आप वहां पे हम्बली पोलाइट वे में आंसर करिए ताकि आपका अच्छा इंपैक्ट वहां पे पड़े, ठीक है। इतना करने के बाद भी अगर वो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो लोग जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेंगे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। और आपको वहां पे ना अपना नॉलेज नहीं शो करने जाना, वहां पे आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाने जाना है, क्योंकि जो नॉलेज चेक करना था उन्हें तो चेक कर लिया, आपका जो पेपर हुआ 180 मार्क्स का उसमें तो आपके नॉलेज का पता चल गया, वहां पे उनको चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। अगर आपको वहां पे कोई भी आंसर नहीं आता है तो आप एकदम आराम से बोल दीजिए कि सॉरी सर अभी तक ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं इसको जानने की पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, ठीक। उसके बाद जब वो लोग आप बोलेंगे कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, तो जब आप वहां से जाएंगे तो वहां पे उनको फिर से आप थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सर फॉर हैविंग मी दिस, ठीक है, इस तरीके से आप वहां पे बोलिए। उसके बाद थैंक यू बोल के आपको वापस जाना है। जब आप जाएंगे तो क्योंकि आप दरवाजा खोल के अंदर आए थे, उसी तरीके से जब आप वहां से जाएंगे एग्जिट करेंगे तो आपको दरवाजा वैसे ही बंद कर देना है। तो ये रही कुछ बातें जो आपको इंटरव्यू रूम में ध्यान रखना है, तभी आप अपने इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो सकते हैं 100%। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ और भी बातें जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।